शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देपालपुर में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी में 11 विद्यालयों के बच्चों ने 22 मॉडल बनाकर सबका मन मोह लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। स्कूली बच्चों ने वर्तमान और भविष्य काल को देखते हुए पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सौर ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, भूकंप रोधी, वर्षा संकेत, मौसम सहित कई मॉडल बनाए हैं। सरकारी स्कूल के इन बच्चों के मॉडल से विद्यालय के सभी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। वही विद्यालय के प्राचार्य ने सभी स्कूल से आए बच्चों व उनके बनाए गए मॉडल की प्रशंसा की। दुनियावासी को ये सब बता सके, हमारे लोगों को बता सके कि हमारी जो सरकार है वो हमारे लिए इतने सारे डेवलपमेंट कर रही है, इतने सारे चेंजेस कर रही है। और इस मॉडल से हम यही बताना चाहते हैं, हमारे लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो स्मार्ट सिटी है वो इंदौर में भी बहुत चल रहा है। प्रदेश की प्रौद्योगिकी और खिलौनों पर आधारित है। ये ब्लॉक लेवल की प्रदर्शनी हमने यहाँ आज स्कूल में आयोजित की है, जिसमें बच्चे अधिकतर वेस्ट मटेरियल से खिलौने बनाकर लाए हैं। पर्यावरण से संबंधित भी मॉडल्स प्रदर्शित किए गए हैं और बच्चों का अति उत्साहपूर्वक ये लोग भाग ले रहे हैं इसमें। संकुल के अधिकतर स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ से सेलेक्ट होकर के आए हैं। गौतमपुरा, आटाहेड़ा, माचल, इरा और प्राइवेट स्कूल्स के भी पार्टिसिपेंट्स हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है उनको विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए। आज जो है ब्लॉक स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, उसमें देपालपुर ब्लॉक के सभी विद्यालयों को जो है आमंत्रित किया था। उसमें से 11 विद्यालयों ने जो है प्रविष्टियाँ दी है और करीबन 22 मॉडल जो है विद्यालय में आए हैं और प्रदर्शनी में काफ़ी जोश दिख रहा है बच्चों में और शिक्षकों में भी जोश दिख रहा है। और प्रदर्शनी के जो मॉडल थे, स्मार्ट सिटी वाला, सौर ऊर्जा वाला और जो है अन्य जो है कई तरह के मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संबंधी भी बनाए गए और बच्चों में बहुत जोश दिखा गया। इस टाइप के कार्यक्रम हमेशा जो है होते रहना चाहिए ताकि बच्चों में उत्साह बना रहे। प्रदर्शनी में ईरा एकेडमी, माचल, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मॉडल स्कूल देपालपुर, गौतमपुरा, अटाहेडा, चांदेर, बछोड़ा, गोकलपुर और अन्य गांवों से आए स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, देपालपुर।